वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज उर्वशी पाल। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक न्यू वीडियो लेके। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे काउंसलिंग से रिलेटेड, तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को इसी के आंसर्स दूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये हैं कि दी खुशी मिश्रा की तरफ से, दी मेरा एक ईयर का गैप हो गया था, तो काउंसलिंग में गैप सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहिए होगा। और आपको वहाँ पर ना बस 10-12 की मार्कशीट चाहिए होगी और एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि काउंसलिंग में किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो काउंसलिंग में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। और दूसरी बात ये कि बस आपसे ये पूछा जाएगा वहाँ पे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो आप ये चीज़ घर से ही चूज़ करके चलना कि आप लोगों को कौन सा कॉलेज चाहिए, लेडी हार्डिंग, आरएमएल या फिर सफदरजंग। तो आप एक बार ही अपने फैमिली मेम्बर से बात कर लेना कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। कई बार वो लोग बोलते हैं कि सारे बच्चे सफदरजंग की तरफ भागते हैं, तो वो लोग बोल देते हैं कि कोई और कॉलेज ले लो, सब अच्छे हैं, सभी गवर्नमेंट हैं। तो आप लोग घर से चूज़ करके आना और उसी पे टिके रहना कि आपको यही कॉलेज चाहिए। और ये है कि हाँ, एक और पूछा था कि हाँ पे ड्रेस कोड क्या पहनना है, या फिर मतलब क्या ड्रेस पहननी है, क्या ड्रेस कोड रहेगा काउंसलिंग के टाइम। तो हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि काउंसलिंग जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल में है। सफदरजंग हॉस्पिटल की जो ओल्ड एमरजेंसी है उसके वहाँ पे एक LT है, वहाँ पे आप लोगों की काउंसलिंग होगी। और हाँ यार, मैं मिलूँगी आप लोगों को वहीं पे मिलूँगी, क्योंकि मेरे को और मेरे क्लासमेट है समीर को, तो सर ने बोला है कि वहाँ पे जाना है, तो मैं आप लोगों को वहीं पे मिलूँगी। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और एक और कोई बोल रहा था कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो उसका क्या करना है? तो अगर मैं उसे यही बोलना चाहूँगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो आप बस एक चीज़ कर सकते हो कि आप उस दिन आके आप सर को एप्लीकेशन लिख के दे देना और सर को अपनी प्रॉब्लम बता देना कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है और ऐसे ऐसे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो क्या ये ठीक हो सकता है? आई होप मैंने बताया था कि बहुत कोऑपरेटिव है, क्या पता मान जाए। तो एक बार आप एप्लीकेशन लिख लाना घर से और अपने ऐसे ऐसे सब कुछ वो चलो। तो यार बस अब इतना ही, और मैं ये कहना चाहूँगी कि अब नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब आप मेरे सब्सक्राइबर्स 500 करवा दोगे। प्लीज़ करवा दो यार, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। हाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्या क्या होता है, अब ये नेक्स्ट वीडियो में ही आएगा सब कुछ। और उसके बाद एक और वीडियो आएगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे बैचमेट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ये सब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में। तो यार मुझे सब्सक्राइब करवाते रहो, खुद भी करो और सपोर्ट करते रहो, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टा हैंडल पे आके पूछ लेना, urvipal_01, ठीक है? बहुत लोगों ने पूछा भी है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बाय।